अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो बस आप लोग मुझे देख के तो समझ गए होंगे कि मैं अभी जा रही हूँ शादी में। तो ये देखिए, ये मेरा लुक है। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो ये कुछ मैंने ऐसे कलर का कपड़ा पहनी हूँ, और ये मैंने ईद में सिलाई थी, लेकिन आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी। इसके लिए मैं जानबूझ के यही कपड़ा पहनी ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ कि मैं किस तरह तैयार हुई थी और क्या पहनी थी। तो ये देखिए, मैंने चूड़ी पहन ली, कुछ थोड़ा बहुत पहन ली, कान वान की पहन ली, और ये लुक है मेरा। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं तैयार हो रही, सिंपल थोड़ा सा हो रही, क्योंकि दोपहर का टाइम है, वो हिसाब से मैं हो रही, क्योंकि बहुत गर्म हो रही। आप समझ सकते, पंखा बंद करी हूँ मैंने, और यहाँ इतनी गर्म हो रही कि पूरा समझ सकते आप। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं इतना बोलूँगी, अब हम लोग निकल रहे हैं शादी के लिए। तो चलिए, फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ सभा है, सभा भी तैयार हो गई है। सभा का लुक देखिए आप लोग, सभा को का, और मेरा है ये कलर का। तो इतना हैवी दुपट्टा है कि मैं इसको दुपट्टा खोल के भी आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन आप लोग देख लेना वहाँ पे शादी में। तो चलिए, मैं आप लोग को मिलूँगी शादी में। और ये हमारा सोया मिल रहा है। मैंने उसको बहुत बोली, मगर उसने बोला नहीं अम्मी रहने दो, सैफ के साथ भी तो चाहिए कोई ना कोई। मैंने तो आप लोग को बताया, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था जाने का, क्योंकि घर की शादी है तो जाना भी ज़रूरी है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा 2-4-8 घंटे का हिसाब है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोग से हमें मिलते। तो यहाँ हम लोग बांद्रा स्टेशन पे आ गए हैं, और हम लोग यहाँ से नाला सिपाहा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। वैसे हम लोग का इरादा था सांताक्रूज से पकड़ने का, लेकिन मेरी जो खालाजाद बहन है, उन्होंने बोले कि अपन बांद्रा से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेन मिल गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी थी, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग को खड़े रह के जाना पड़ा, क्योंकि संडे का दिन था। तो हम लोग सोचे कि ट्रेन खाली होगी, लेकिन ट्रेन बिल्कुल खाली नहीं थी। तो एक घंटे का सफ़र था, और हम लोग को यहाँ पे खड़े रहना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सभा यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, तो मैं उससे बोल रही थी मत बना, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, सब लोग बनाते हैं, अम्मी चलो हम लोग भी बनाएंगे। तो वो ले रही थी वीडियो, और मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। अब वो क्यों देख रहे थे मुझे नहीं पता, शायद मैं बोल रही थी इस वजह से। और यहाँ पे मेरी बहन खड़ी है, यानी जो खाला की बेटी, वो खड़ी है, तो मुझे वो गुस्सा कर रही थी कि इतनी गर्मी में भी सर पे दुपट्टा लिए उतार दे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं नहीं उतार रही थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और करीब ये टाइम था कुछ 5-5:30 का टाइम था, करीब 5:45 का ही था शायद, क्यों टाइम ज़्यादा हो गया था। और माशाल्लाह क्या नज़ारा था। मैंने शायद ही बम्बई में मैं रहती ज़रूर हूँ, मगर इतना लंबा सफ़र मैंने कभी करी नहीं हूँ। मैं ये फ़र्स्ट टाइम जा रही थी नाला सुपारा, वो भी मेरी मामू की जो बेटी थी उसकी शादी में। तो वैसे हम लोग तो इतना दूर दूर का सफ़र नहीं करते, जैसे कि आप लोग को पता है मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। और शादी की दावत तो हमारे बहुत आती है, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, पता नहीं मुझे ना, मतलब दूर का सफ़र पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा था। तो सभा बोली अम्मी मैं थोड़ा सा क्लिक ले लेती हूँ, बोली ठीक है ले ले। और यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी रिश थी, आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, कि ऐसा लग रहा था बस घबराहट सी हो रही थी कि बस उतर जाओ आप कहीं। लेकिन जैसे तैसे अभी हमें पहुँचना था, तो बस हम लोग आ गए। तो यहाँ मैं नाला सुपारा के स्टेशन में आ गई थी। तो यहाँ मैं अपनी बहन को बोल रही थी चलो जल्दी, तो उन्होंने बोले थोड़ा रुक जा, थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो मली ठीक है। तो यहाँ मैं और सभा हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। देखो बाबा, हम लोग काम पे आ गए। देखो बहुत देर हो गया, बहुत ज़्यादा थका के आ गए। तो यहाँ हम लोग जूस की दुकान पे आ गए थे, क्योंकि सभा को भी प्यास लगी थी, मेरे को भी और मेरी बहन को भी। तो यहाँ हम लोग सब जूस ले रहे थे, तो मैंने और सभा ने मैंगो का जूस ले लिए, और मेरी बहन ने लस्सी ले ली। तो माशाल्लाह ठंडा ठंडा जूस पी के मज़ा आ गया था। और अभी हम लोग यानी कि नाला सिपाहा के स्टेशन के बाहर ही आए थे, तो वहाँ ही एक मार्केट दिखी थी, वहीं से हम लोग ने ले लिए।
अभी और ज़्यादा सफ़र था क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं थी, लेकिन मैं उनसे पूछ रही थी। उन्होंने बोले अभी अपने को रिक्शा पकड़ के जाना है हॉल में। तो हम लोग घर पे जाने का तो इरादा नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली हम लोग सोचे हॉल में पहुँचे क्योंकि शाम तो हो गई थी और वो लोग का आने का भी टाइम था। तो यहाँ मार्केट में कुछ क्लिफ कांटे बिक रहे थे, मेरी बहन लेने लगी। तो मैं उनसे बोल रही थी तुम शादी में आए कि क्लिफ कांटे लेना है। तो उनकी एक आदत है, वो जब भी निकलते हैं मार्केट में तो कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा हॉल आ गया है, और यानी आप समझ सकते हैं नाला सुपारा, जो बम्बई में रहते हैं उनको मालूम है नाला सुपारा कहाँ है। कुछ गाँव का सेट है, मतलब बिल्कुल शहर में नहीं है, गांव से गांव के जैसा लगता है। और यहाँ सभा वीडियो ले रही थी, तो मेरी बहन को क्या लगा कि मतलब फ़ोटो खींच रहे, तो वो बोल रहे थे ठहर जा मैं अपना हार सही कर लूँ उसके बाद मैं फ़ोटो खींच लूँ। तो यहाँ हम लोग सेट के पास आ गए और हम लोग ने थोड़ा सा क्लिक ले लिए। तो बस यहाँ पे छोटी मोटी बात चल रही थी, इतने में मेरे सारे रिश्तेदार बारी बारी आने लगे। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूँगी कौन कौन बैठा है। और यहाँ मैं अपने गिफ्ट लेके ही पैर फैला के बैठी थी क्योंकि कहीं वो मेरे कांच का गिफ्ट था टूट ना जाए, तो मैं कहीं हिल भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ मैं आप लोग को बताती, ये मेरे खालाजाद भाई है जो पिंक कलर के कपड़े में बैठा है, और उसके आगे मेरी बहन बैठी है, और ये पीछे मेरे फूफी की बेटी है, और ये मेरी मामू की बेटी बहू, ये उनकी नवासी, बारी बारी सब आ रहे थे और मुझसे मिल रहे थे। और सब लोग मुझसे कह रहे थे कि रहमत आपा तुम क्यों नहीं आए थे पहले से। तो मैं बोली नहीं बेटा, मेरे बेटे की ऐसी तबीयत है इसके लिए मैं नहीं आ सकती थी। तो बोले कोई बात नहीं, मगर आपा आना चाहिए था। लेकिन मैं उन लोग से वही बात बार बार बोल रही थी, मगर ये लोग इतने अच्छे लोग हैं ना, मेरे मामू की बहू बेटियाँ सब बहुत अच्छी हैं, बहुत मेरे को मानती हैं और बहुत मेरे से क्लोज़ भी हैं सब लोग। तो वही सब आगे सब मेरे से बातें कर कर के जा रहे थे। तो बस अभी हम लोग की मुलाकात 2-3 घंटे की थी क्योंकि हम लोग को वापस लौटना भी था। तो बस यहाँ पे अभी दुल्हन आ गई थी, लेकिन मेरे को जाने ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ये लोग मुझे यानी कि बातों में इतना लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ मेरा जो खाला का बेटा वो बार बार मुझसे बोल रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे क्योंकि हमें वापस भी जाना था। तो यहाँ मेरे मामू का 2nd नंबर का बेटा आ गया और मुझसे बात करने लगा कि मतलब मुझे प्यार से लोग बिटिया बोलते हैं। तो बोले बिटिया तू कहाँ थी, बोले मुझे दिखी नहीं, तो मुझे ही ढूंढ रहा था। और ये मेरे से भी 1 साल छोटा है, मगर मुझसे इतना हंसी मजाक करता है, इतना क्लोज है जैसे कि भाई, वो मेरा बड़ा भाई है, तो मुझे बहुत मानता है। मेरे मामू के 3 बेटे मुझे बहुत मानते हैं और बेटियाँ भी। तो बस मैं घर में खानदान में सबसे छोटी पड़ती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत लाड़ करते हैं पूरे खानदान वाले। तो यहाँ बस थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी, तो मुझसे बोल रहा था तू घर पे क्यों नहीं आती है। तो मैं बोली इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, और मेरा चेहरा देख सकते कितना उतर गया था क्योंकि ये लोग सब बोल रहे थे इतनी गर्मी में दुपट्टा सर पर लिए गर्म नहीं हो रही है, तो गले में ले ले, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन इन लोग के बोलने पे मुझे लेना पड़ा। और मेरा मूड इतना बिगड़ गया था क्योंकि मेरे सर से दुपट्टा मैं जल्दी उतारती नहीं, आप लोग को पता है। तो मेरा एकदम मूड ऑफ था, लेकिन अभी मुझे खाना खा के और जाना था, तो मुझे खाना खाने का भी दिल नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ मेरे मामू की बेटी आ गई है जो सबसे बड़ी है, और इनकी बेटी की शादी थी। तो यहाँ पे हम लोग उनको गिफ्ट दे रहे, तो हम लोग को चिल्लाने लगी, एक तो तुम लोग इतना लेट आए हो और ऊपर से तुम लोग स्टेट पे आओ। तो हम लोग को वापस वो स्टेट में ले गई थी, और वहाँ हम लोग दुल्हन से मिले, और जो भी गिफ्ट हम लोग ने लाए थे वो उनके हाथ में दिए। तो माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और माशाल्लाह दूल्हे राजा भी बहुत अच्छे थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी हम लोग को। तो चलिए हम लोग फिर थोड़ा घाई घाई में थे क्योंकि हम लोग को वापस जाना, क्योंकि 11 यहीं बज गए थे, इसके लिए हम लोग को बहुत जल्दी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे, और अब हम लोग जाते हैं ट्रेन के लिए। तो यहाँ हम लोग स्टेशन पे आ गए थे, मगर हमारी नसीब इतनी ज़ोरदार थी कि हमको ट्रेन ही नहीं मिल पा रही थी। करीब हम लोग को 1.25 घंटा बैठना पड़ा, उसके बाद हमारी ट्रेन आई। वैसे ट्रेन बहुत आ रही थी, लेकिन वो हमारी ट्रेन नहीं थी क्योंकि हमें उतरना था सांताक्रूज, लेकिन वो हमको ट्रेन मिली नहीं रही थी। बहुत देर के बाद 1.25 घंटे के बाद ट्रेन आई, उसके बाद हमको बैठने मिला, वो भी माशाल्लाह इतनी गर्दी। बाकी ट्रेन तो खाली चली गई थी, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी उसमें भी गर्दी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हमको बैठने को जगह मिल गई थी। तो बस हम लोग जैसे तैसे हम लोग ट्रेन में सवार हो गए, और उसके बाद अपना
सुकून से बैठे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबक छोटे छोटे से वीडियो ले रही थी, लेकिन मैं उसको इशारा कर रही थी मत ले, लेकिन उसे बोली नहीं रहने दो अम्मी। तो यहाँ मैं देख सकते हैं आप मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था चलते चलते कि मैं यहाँ बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम चलती हूँ तो इसके लिए। और यहाँ मैं बैठी हूँ, सभा बैठी हूँ, मेरी खाला की बेटी भी बैठी थी, बस जिसको जहाँ